ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन को गले का कैंसर हो गया है। खुद ऋतिक ने इसकी जानकारी उनके फैंस को दी है। अभी ये कैंसर शुरुआती दौर का है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राकेश रोशन के ठीक होने की प्रार्थना की है। पीएम ने लिखा है, डियर ऋतिक, मैं श्री राकेश रोशन की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो एक फाइटर हैं और मुझे यकीन है कि वो इस चुनौती का पूरी हिम्मत के साथ सामना करेंगे। राकेश रोशन की सलामती के लिए उनके फैंस दुआ कर रहे हैं। इस बीच राकेश रोशन की बहू रही सुजैन खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वो किसी भी सुपर हीरो से ज्यादा मजबूत है, सब ठीक हो जाएगा। पिता को कैंसर की जानकारी देने के लिए ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक इमोशनल मैसेज लिखा। उन्होंने बताया, मैंने आज सुबह पापा से एक फोटो क्लिक कराने के लिए पूछा। मैं जानता था कि वो सर्जरी के दिन भी जिम में वर्कआउट मिस नहीं करेंगे। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उनमें वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उन्हें हाल ही में थ्रोट कैंसर होने का पता चला है जो कि शुरुआती स्टेज पर है। वो बहुत ही बहादुरी से इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। ऋतिक आगे कहते हैं, एक परिवार के तौर पर हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें उनके जैसा लीडर मिला है। लव यू डैड। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।